खबर है अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस का पावर पॉलिटिक्स। कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस अमित शाह के दौरे से पहले प्रदर्शन करने की रणनीति बना रही है। लेकिन अमित शाह आ रहे हैं, क्या तैयारी है और क्यों आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार से बता देते हैं। तो चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। हलचल तेज हो गई है। इलेक्शन के बाद पहली बार 23 अगस्त को रायपुर पहुंच रहे हैं अमित शाह। कब? 23 अगस्त। सबसे खास बात गृहमंत्री के दौरे को लेकर यही है कि ऐसा पहली बार होगा जब अमित शाह 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे। 3 दिन तक। पिछली बार इलेक्शन के दौरान आए थे तो रात को रायपुर में ही रुके थे। ताबड़तोड़ रैली हुई थी, पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उस समय सियासी पारा हाई था। एक बार फिर से राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ में 3 दिन रुकने वाले हैं। जाहिर सी बात है, गृहमंत्री अगर किसी प्रदेश में 3 दिन तक रुक जाएं, वो भी नक्सल प्रभावित जैसे राज्य में, तो चर्चा तो होगी। विधानसभा चुनाव के समय अमित शाह एक रात रुकते थे तो पूरी सियासत अमित शाह की रणनीति के इर्द गिर्द घूमती नजर आती थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस विपक्ष में है। अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आइए पहले वो सुना देते हैं। सुनाइए विजय शर्मा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन है, 23 की रात में आएंगे। 24 को छत्तीसगढ़ और आसपास के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और साथ में डीजीज सबकी संयुक्त बैठक है। हर राज्य के माध्यम से वहां पर होने वाली गतिविधियों और उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों पर चर्चा है। मैं सोचता हूं कि समग्रता के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी योजना इस पर बनकर तैयार होगी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से मार्गदर्शन मिलेगा, यही कह रहे थे राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा। पहले पूरा मिनट टू मिनट प्लान बता देता हूं अमित शाह के दौरे का। दौरे पर गृह मंत्री क्या क्या करेंगे, कहां कहां जाएंगे, सब कुछ जान लीजिए, विस्तार से बता देता हूं। अमित शाह 23 अगस्त को रात 10 बजे रायपुर पहुंच जाएंगे। यहीं पर अमित शाह का नाइट स्टे होगा, यानी रात रुकेंगे। 24 अगस्त को फिर मेफेयर होटल में ही नक्सल मामले को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अधिकारी भी शामिल होंगे। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यह मीटिंग चलने वाली है। इस मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है। मीटिंग के बाद 2 बजे से 3 बजे तक छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों के साथ होम मिनिस्टर की बैठक होगी। इसके बाद स्टेट डेवलपमेंट रिव्यू मीटिंग होना है। बहुत बिजी शेड्यूल है गृहमंत्री का। फिर 25 अगस्त को पहले नारकोटिक्स रिव्यू मीटिंग होगा। दोपहर के खाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का रिव्यू मीटिंग करना है। इतनी मीटिंग अटेंड करने के बाद गृहमंत्री 3:50 पर वापस कहां चले जाएंगे, दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इन बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मीटिंग की हो रही है वो है नक्सल उन्मूलन की मीटिंग। गृहमंत्री शुरू से ही नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर सख्त रहे हैं। जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो नक्सलवाद पर हमेशा प्रहार करते दिखाई देते हैं। अब अमित शाह जब छत्तीसगढ़ में रहेंगे तो हलचल होना स्वाभाविक है। जब भी आते हैं तो नेताओं की धड़कनें तेज हो जाती हैं। भाजपा नेताओं की बेचैनी तो बढ़ती है, कांग्रेस के नेताओं की भी बेचैनी बढ़ जाती है। सबकी नज़र अमित शाह के एक एक कदम, एक एक मूवमेंट पर होती है। ये तो थी अमित शाह के दौरे, अमित शाह के शेड्यूल की बात। चलिए अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। 24 अगस्त को जहां अमित शाह नक्सल उन्मूलन को लेकर बैठक करेंगे तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी विशेष तैयारी कर ली है। बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। कब? जब अमित शाह रायपुर में होंगे। यह पूरा प्रदर्शन बालौदा बाजार मामले में गिरफ्तार हुए देवेंद्र यादव को लेकर। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कई समीकरण साधने में लगी है कांग्रेस। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर बड़ा बखेड़ा हो रहा है। बहुत हर दिन बयान आ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। यह भी जान लीजिए कि देवेंद्र यादव जिस यादव समाज से आते हैं, छत्तीसगढ़ में साहू समाज के बाद यादव जाति का सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक ओबीसी यही है। दूसरी बात यह है कि जिस सफेद झंडे को लेकर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है उसका वोट प्रतिशत भी 13% है सतनामी समाज, यानी कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के वोटरों की आबादी 13%। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में थोड़ी हलचल रहेगी। और क्या क्या हलचल रहने वाली है और विस्तार से समझना चाहते हैं तो चलिए आपको विस्तार से समझा देते हैं। और मृगेंद्र पांडे
आप ये बताइए कि आप बीजेपी दफ्तर में होकर आए हैं और बीजेपी के अंदर खाने सूत्रों से कुछ कुछ लेकर आए हैं, ये बताइए कि ये जो चर्चा हमने बताई कि अमित शाह आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बैठकें करेंगे और फिर कांग्रेस अलग उधर राजनीति कर रही है कि राजनीति पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, इसी दौरान बलौदा बाजार हिंसा को लेकर, और क्या समझा जाए और अंदर खाने से क्या खबर है और इसके क्या मायने हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से, जरा विस्तार से बता दीजिए। मृगेन, देखिए कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि जिस समय अमित शाह छत्तीसगढ़ में है अपनी ताकत दिखाए, वो प्रदर्शन के माध्यम से दिखाएगी, लेकिन इसके साथ अमित शाह जो आ रहे हैं उसके पॉलिटिकल मायने भी बहुत ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में दो मंत्री बनाए जाने हैं उसको लेकर भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि दो नए विधायकों का नाम दिया गया है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनका रिव्यू करेंगे, उनके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, कुछ मंत्रियों के जो कामकाज हैं उनको भी अमित शाह खुद चेक करेंगे। ये जो अमित शाह का आधिकारिक शेड्यूल जारी हुआ है उसके अलग बैठकें होंगी। आप समझिए कि अमित शाह 3 दिन रहेंगे और 3 दिन में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देखेंगे, पार्टी के नेताओं के कामकाज को भी देखेंगे और मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, सरकार के कामकाज का भी पूरा रिव्यू करेंगे, उसके लिए बकायदा 2 घंटे की मीटिंग रखी गई है। जी मृगेन जी, थोड़ा ये बताइए, बीजेपी के नेताओं से आपकी बात होती है, बीजेपी दफ्तर आप जाते हैं, अमित शाह के दौरे से पहले जो एक वो होता है ना कि तैयारी पूरी कर ली जाए, अभी इस समय किस तरह की तैयारी चल रही है? क्योंकि जब मैं आज ऑफिस आ रहा था तो मैं देख रहा था कि बैनर होर्डिंग पोस्टर जो हैं वो छोटे नेताओं के और सबके निकाले जा रहे थे, तो क्या हलचल है कि इस बार क्या क्या होने वाला है और किस तरह की तैयारी है और हाँ किस तरह का डर भी है, ये भी बताइए जरा। देखिए अमित शाह के आने पर बेचैनी तो होती है, आप विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा की, जब जब अमित शाह आते थे एक अलग तरह की पार्टी के नेताओं में बेचैनी है। इस बार भी जब अमित शाह आ रहे हैं, क्योंकि देखिए केंद्र में भी सरकार बन गई है, राज्य में वापस आ गई है, डबल इंजन की सरकार है, तो संगठन स्तर पर यह है कि सदस्यता अभियान को लेकर जो बातचीत होनी है उसमें किस तरीके से अमित शाह के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा उसकी तैयारी चल रही है। सरकार स्तर पर भी आज सुबह से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा लगातार बैठक कर रहे हैं, पहले सीएम हाउस में बैठक हुई, अभी पीएचक्यू में बैठक चल ही रही है, तो कुल मिलाकर कोई कमी छोड़ना नहीं चाह रहा। हाँ, यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि एक पहले तो मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, फिर पीएचक्यू में बैठक, मतलब ये कुल मिलाकर आपको बताने का मकसद ये था कि जब गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए, डबल इंजन की सरकार, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, इससे पहले जब वो आए थे विधानसभा चुनाव हो रहा था तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है, कब किसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग लें हर कोई तैयारी कर रहा है।